Hello and assalamu alaikum. Welcome to our brand new video. आज की वीडियो जो है वो हम विटामिन सी की जेल बनाएंगे. जैसे कि आपको पता है ऑरेंज जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो हम क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएं. तो मैं आपको बताऊंगी एक बहुत अच्छी जेल जो आप ऑरेंज पील के साथ बना सकते हैं, विटामिन सी जेल, जो आपकी स्किन को जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं, उसको स्मूथ कर देगा, आपकी स्किन के ऊपर से टैन ख़त्म कर देगा. उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा. ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. तो लेट्स गो इनटू द वीडियो. सबसे पहले हम एक ऑरेंज लेंगे और उसको अच्छे से जो है वो हम उसका पील जो है वो ग्रेट कर लेंगे. अच्छे से हम इसको पीट करेंगे. कैसे आ रहा है, आपको ओनली पील जो है वो चाहिए. तो जी, ये हमारा ऑरेंज पील जो है ये मेरे पास आ गया है, रेडी है. अब इसका जो जूस है वो मैं किस तरह की एम्प्टी कंटेनर ले लूँगी, जार, उसमें मैं ऐड करूँगी. जो उसका पल्प है वो मैंने सारा इसमें निकाल के डाल दिया है. देखिए हमारे पास ऑरेंज जो जूस है जो ऑरेंज का पल्प था वो सारा निकाल दिया है, आप देख लें. इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ. तो इसके बाद हमने क्या करना है, आपको एक स्पून चाहिए, ऑरेंज स्पून ही लेंगे क्योंकि हम ऑरेंज जेल बना रहे हैं. नो 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 नो, आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ आप लोगों के साथ. कोई भी आप एक स्पून ले लें और उसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ बेबी जेली. आप कोई सी भी पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं, कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं. 1 स्पून इसमें हम ये ऐड कर देंगे. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन. ग्लिसरीन भी जो है वो 1 स्पून जो है वो ग्लिसरीन ऐड करेंगे. और ये हमारी बहुत अच्छी सी विटामिन सी की जो जेल है वो रेडी हो जाएगी. उसके बाद हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे 1 स्पून एलोवेरा जेल. एंड देन लास्ट पे हम इसमें यूज करेंगे कुछ ड्रॉप एलमंड ऑयल के. ये आपकी बहुत अच्छी सी विटामिन सी क्रीम जो है वो घर पे रेडी हो जाएगी. 5 ड्रॉप्स जो हैं वो आप एलमंड ऑयल के ले लीजिए और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. आजकल विंटर है तो ये आपको स्टोरेज का भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आप ये समर में बना रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा कूल टेम्परेचर पे. अब हम इन सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हमारी जेली जो है ये सेट हो गई है, आप देख सकते हैं. इसको आपको यूज़ कैसे करना है, थोड़ा सा लेना है ऐसे और अपने हैंड्स पे फेस पे अच्छे से हम अप्लाई करके रात को सो जाएंगे. तो ये बहुत अच्छा सा जो है ये हमारे स्किन को ग्लो करेगा, जितने भी आपके ब्लेमिशेस हैं उनको रिमूव कर देगा और आपकी स्किन को टाइट करेगा और आपकी स्किन को यंग कर देगा. तो होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको लाइक अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मस्ट बनता है. तो आप इसको अपने स्किन ऐसे वाइट एंड ब्लेमिश फ्री, और विटामिन सी के बारे में कौन नहीं जानता, इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके और इसमें से बहुत ही अच्छी विटामिन सी की स्मेल भी आ रही है. जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे कि इन पील्स का क्या करेंगे, ये वेस्ट हो गए हैं. तो ये वेस्ट बिल्कुल नहीं हुए. आपको बताती हूँ आप इनके साथ कैसे जो है वो अपने हैंड स्क्रब कर सकते हैं. आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करें
उसके बाद आपको इसमें क्या ऐड करना है, इसके बाद हम इसमें एक मोर इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ नेस्कैफे। आप इसमें नेस्कैफे जो है वो थोड़ी सी ऐड करें, जितना ये पील्स हैं। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे राइस फ्लावर, और राइस फ्लावर जो है वो भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी अपनी एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे और इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरी हैंड के लिए, फीट के लिए अच्छी सी स्क्रब रेडी हो जाएगी। आप इसको फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फेस पैक, बहुत अच्छा है। फेस के ऊपर लगाना है तो आप इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड कर लीजिएगा। ये जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, ये आप देखें, तो कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। इसके बाद हम इसको अपने हैंड्स पे 15 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ देंगे। फिर स्क्रब करके हम इसको रिमूव कर लेंगे। आप इसको अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, इसको अपने फेस पे भी जो है वो लगा सकते हैं, और 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छा कॉफ़ी ऑरेंज मास्क जो हमारा है ये रेडी है। ये आप देखिए कितने अच्छे से जो है मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया है। ये जो है बाकी का ये मैंने एक हैंड पे और फेस पे अप्लाई कर लिया, ये बाकी दूसरे हैंड पे अप्लाई करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट आप लगा रहने दीजिएगा। ये देखिए ऐसे हम इसको लगा के छोड़ देंगे और फिर हम इसको स्क्रब करके वॉश कर लेंगे। ऑरेंज पील जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आप ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप इनको ऐसे स्क्रब भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपके टैन है वहाँ पे आप ज़रूर एक पील पकड़ के ऐसे स्क्रब कीजिएगा, तो आपकी सारी जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। कॉफ़ी भी जो है वो बहुत अच्छी जो है प्रॉपर्टीज रखते हैं हमारी स्किन को वाइटनिंग के लिए। थोड़ा मैसी काम है तो आप सिंक के पास ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो बहुत मैस क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह आप इसको 10 से 15 मिनट लगा रहने दें। 5 मिनट हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिएगा और हैंड वॉश करेंगे। मैं आपको चेक कराती हूँ, हैंड वॉश कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने जो है ये शाइन कर रहे हैं, जो ग्लिसरीन है और जो एलोवेरा जेल है उन्होंने कितना अच्छा से जो है मेरी स्किन को साफ़ कर दिया है। तो आप देख लें कितना जो है वो क्लीन हो गया है, कोई इस पर जो है वो डैमेज नहीं रहा। आप देखें कितना क्लीन जो है, जितने भी कॉफ़ी और विटामिन सी ने कितना साफ़ कर दिया है। बी जो है ये जरूर स्क्रब यूज़ कीजिएगा, इसमें विटामिन सी, कॉफ़ी, राइस फ्लावर ये जो है बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। उसका जो ग्लिसरीन है वो तो आप सबको पता है कि कैसे है। उसके बाद आपको कोई भी लोशन नहीं लगाने की जरूरत, आप थोड़ी सी पेट्रोलियम चले लें, उनको हाथों पर ऐसे रब कर लें गीले गीले हाथों पर, तो ये आपका बेस्ट जो है मॉइस्चराइजर है। तो आप देखें कितने अच्छे से जो है ये क्लीन हो गए मेरे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।